बंका के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बंका लेथ मशीन के अंदर बहुत फेमस है। बंका का जो मिनी लेथ है वो बेंच लेथ भी कहलाता है और हॉबी लेथ भी कहलाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ मिनी लेथ के लिए, ये लेथ किन लोगों को यूजफुल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं फाउंड्री और फोर्जिंग प्लांट्स को। फाउंड्री और फोर्जिंग प्लांट के पास एक खुद की अपनी लेबोरेटरी होती है, वहां पे वो जो टेस्ट पीस होते हैं उसको टर्न करते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो ये काम करने के लिए उन लोगों को इन हाउस लेबोरेटरी के अंदर जो अपना पीस आया हुआ है, इस पीस को टर्न करने के लिए, उसको मशीनिंग करने के लिए एक छोटे लेयर की जगह रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपने टेबल पे रख के उस पर काम कर सके। तो फाउंड्री और फोर्जिंग प्लांट्स के लिए ये बहुत सूटेबल है। अब बात करेंगे मेडिकल कॉलेज। देखिए, ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत सी बार जब ऑपरेशन के वक्त या अपने स्टील के पार्ट्स को जब वो लगाते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, उससे पहले उसे मशीनिंग करने की जरूरत होती है। तो यहाँ भी बहुत सारी हॉस्पिटलों में भी हमने अपने ये टेबल टॉप मिनी लेथ, जिसे हम कहते हैं बेंच लेथ, वो हमने सप्लाई किए हुए हैं। ये मिनी लेथ अर्थ मूवर्स जो होते हैं इन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। देखिए क्या होता है कि अर्थ मूवर्स को बहुत रूरल के एरिया में, डीपर टेरिटरी में काम करना होता है, और वहां पे जब उन्हें कोई पार्ट्स को टर्न करना है या रिपेयर करना है, उस वक्त मेटल कटिंग के लिए इस मशीन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। वो रूरल टेरिटरी में ये सब अवेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उन लोगों को ये अपनी टूल किट के साथ वो बेंच पे फिट किया हुआ होता है, उसके हैंडल से मूव करके वो अपनी टेरिटरी पे ले जाते हैं, और वहां पे ये जब भी अपने ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स या अर्थ मूवर के लिए जो भी हिटाची या कटरपिलर के जो जो चीज होते हैं, मशीनें होती हैं, उसको रिपेयर, उसके पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए ये मिनी लेथ का यूज करते हैं। तो उन लोगों को भी ये बहुत जरूरी है, क्यों छोटे जो कारपेंटर्स होते हैं या जो फैब्रिकेटर्स होते हैं जिन्हें अपनी साइट्स एक जगह से दूसरी जगह बार बार चेंज करनी होती है, उन लोगों को क्या होता है कि एक ऐसा हैंडी लेथ चाहिए, ये मशीन चाहिए हैंडी जो प्लेट के ऊपर फिट हो जाए और उसको यहाँ ये साइड से वो साइड पे वो लोग आराम से मूव कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए जो फैब्रिकेटर्स है और कारपेंटर है, उन लोगों के लिए भी ये लेथ बहुत यूजफुल है, बहुत सूटेबल रहता है क्योंकि ये लाइट वेट है। अब हम बात करेंगे विलेजर्स के बारे में। जो अंदर के टेरिटरी में जो विलेजर्स है और इन लोगों को छोटे छोटे काम करने के लिए वहां पे एक मशीन शॉप भी वो रखते हैं। ये मशीन शॉप को आप स्मॉल गैरेज भी कह सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर स्पेयर पार्ट्स जब भी बिगड़ते हैं तो ये लोग अपने आसपास में मशीन शॉप ढूंढते हैं और वहां पे ये काम करते हैं। तो ये लोगों को ये छोटी मशीन बहुत सूटेबल है। वहां पे डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है कि अगर वो सिटी में आए तो बहुत मुश्किल होता है, और ये इसका वैल्यू भी बहुत कम है, तो टाइम सेव भी करता है और छोटा इन्वेस्टमेंट है और छोटी जगह पे ये अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये सूटेबल है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि मिनी लेथ, बेंच लेथ, इसको हॉबी लेथ भी कहते हैं। कई लोग अपनी हॉबी के लिए भी इस लेथ को परचेज करते हैं और इस पे कुछ ना कुछ क्राफ्ट जैसी चीजें बनाते हैं अपने हॉबी के लिए। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, रबर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपनी डाइज को साफ करने के लिए, या फिर ऐसे ही जो
इसी तरह के जो काम करने वाले जो इंडस्ट्रीज होती है, ये लोग भी इस मशीन का परचेज करते हैं। हालांकि ये मशीन हमने कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हमने बनाई है और इसके इंस्टॉलेशंस बहुत कम है, लेकिन ये मशीन सक्सेसफुल रनिंग है, बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। और अगर आप चाहें तो हमसे मिनी लेथ के रिलेटेड आप वीडियो हमसे मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिनी लेथ, बेंच लेथ मेरे वर्कशॉप के लिए, मेरे मशीन शॉप के लिए सूटेबल है, आप हमें कहिए, हम आपको बहुत सारी वीडियोस भेजेंगे और इस तरह ये आपका पैसा भी बचाएगा और स्पेस भी बचाएगा और अल्टीमेटली आपका जो वर्कशॉप का लुक है वो भी मॉडर्न लुक कर देगा। तो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। थैंक यू।